हाय गाइस, वेलकम टू TIO टीवी। कैसे हो आप सब लोग? तो हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक बहुत प्यारा सा व्लॉग शेयर किया जाए। शाम का टाइम हो रहा है, प्रशांत पीछे काम कर रहे हैं अपना ऑफिस का, और इधर मिनी दीदी शाम की चाय बना रही हैं। सबको वेलकम बोल दो TIO टीवी पे। वेलकम टू TIO टीवी, और किचन के अंदर से हम वेलकम कर रहे हैं आपका। तो अभी बन रही है इवनिंग वाली चाय। बिल्कुल। तो मम्मी क्या ना ये वाले ग्लास यूज होते हैं, ये ग्लास है, मुझे पीना है ना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। अब मेरे घर में है जबकि मेरे को तब मन नहीं करता, लेकिन यहाँ पीकर मतलब यहाँ इन ग्लासों में पीना बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीजें होती है ना जो जहाँ की होती है वहीं पे अच्छी लगती है। अब दिखाती हूँ मैं आपको आगे क्या कर रहे हैं, आप दिखाकर आओ। तो यहाँ पर पापा जी लेटे हुए हैं, मफिन बाहर घूमने की तैयारी में है लगता है, उसे बेल्ट पहना दी है, और मम्मी शायद कपड़े वगैरह सुखा रही है। और यहाँ पर है आंटी जी। आंटी जी नमस्ते। तो सभी लोग ना बस अपने अपने कामों में बिजी हैं, और आप कहोगे कि रीमा आप कुछ नहीं कर रही, आप फ्री में घूम रही ऐसी। ऐसे नहीं है, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सबको यहाँ तक पहुँचा रही हूँ। देखो सही बात है, रिपोर्टर रीमा NDTV। और ये खूबा जिसने बंदर बनाए हैं यहाँ पर। तो अभी हम चाय बना के ला रहे हैं, हम एंजॉय करेंगे इस खुले से व्यू के साथ जो कि हमें वहाँ पे नहीं मिलता फ्लैट में। सही बात है। और रुद्रांश मफिन को भी यार उसको मेरी जगह दे रखी है। पता नहीं इतनी अच्छी रोड बनी थी यहाँ पर ना पूरे हमारे घर के सामने, और जब मैं कल यहाँ पर आई थी ना तब देखा है रोड टूट गई है। हाँ। तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा एक्चुअली क्या है ना ये अभी ना सीवर लाइन पड़ी है, देखो बीच बीच में से खुदाई हुई पड़ी है, अब देखो कब बनेगी दोबारा से। तो सबसे अच्छा व्यू आता है हमारे घर का, क्योंकि हमारे घर के सामने जस्ट बहुत बड़ा वाला पार्क है जो शाम को बहुत चहल पहल रहती है। मम्मी आपकी दिवाली पार्टी नहीं हो रही फ्रेंड्स के साथ? बात नहीं, दिवाली निकल जाएगी, सारे त्यौहार निकल जाएंगे, अभी तो सबके घर कोई ना कोई आया होगा। हाँ, उसके बाद होती है पार्टी हमारी। और हाँ गाइस, अगर आपको दिवाली का व्लॉग देखना हो तो कहाँ पर आना है? इंडियन मॉम स्टूडियो पे, ऑलरेडी आ चुका है। आओ जी रुद्रांश कुछ खा लो। ये सुबह से कल रात से मतलब कल शाम से जब से लाइट है जली नहीं है सुबह से, अभी हर जलाई है, अभी हर जलाई है, अभी हर जलाई है, अभी जलाई है, लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई तो ऐसी हो जाती है, अभी जा रहे हैं भारत। हां ऐसी कर दिया, और लड़ाई होती है तो रुद्रांश कहता है महाभारत। अतः श्री महाभारत तो शुरू। हां तो यहां पर चल रही है शाम की चाय, चाय पे चर्चा। कैसी बनी है चाय? चाय पे चर्चा। बहुत टाइम बाद हम लोग TIO टीवी पे एक साथ बैठे हैं। TIO टीवी पे बहुत टाइम बाद बैठे हैं। चीनी बहुत कम डाली है मैंने। चीनी सही है? पता नहीं मुरादाबाद की चीनी में पता नहीं क्या बात है कि सिर्फ एक चम्मच चीनी डाले तीन कप होना। हाँ लेकिन कल से क्या हो रहा था, जरा सी डालते थे और ज्यादा हो जाती थी। यहाँ की चीनी मीठी है ना, मम्मी लोग मीठे हैं, फिर तो खूब जो है डायबिटीज रहती होगी। हाँ वही वाली बात चल रही की दिल्ली दिल वालों की होती है और मुरादाबाद मीठे वालों की। हाँ डायबिटीज 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 नहीं बोल रहा, डायबिटीज 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 नहीं डायबिटीज मैंने बोला डायबिटीज हिंदी में पढ़ता है तो कई शब्द नहीं बोल पाता। हाँ हिंदी में नहीं बोल पाता, बार बार कहो तो भी। आंटी पढ़ाती है ना इसको। हाँ रुद्रांश को आंटी पढ़ाती है। आप पढ़ाते ना हिंदी? रुद्रांश को दादी पढ़ाती है हिंदी। और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो आपसे? अब तो नहीं पढ़ा पाते लेकिन हमारे लेवल के बाहर हो गया है कोर्स ना। एट्थ में आ गया शायद? एट्थ में नहीं है, यही नहीं पता। सेवन्थ में? हाँ अच्छा में। अब आगे क्या करना है बताओ। चाय नानू चलो, नानू चलो हम पापा चलते हैं इसको, उसको लेके कुछ को बैठा रहने दो, वो एंजॉय कर रहा है, उसको लेके नहीं उसके पार्क जा रहा है। नानू चलो पार्क चलते हैं फिर। उसने आज खूब बंदरों को भगाया है और अभी भी एंजॉय कर रहा है, बंदरों को सूंघ रहा है, वहां पे बैठ कर बैठ रहे ऐसे। हां शाम को चलते हैं मार्केट जरा, चलो क्योंकि बहुत खूबसूरत मार्केट लगा हुआ है मुरादाबाद। क्या क्या लगा है? मुझे मुरादाबाद का मार्केट बहुत पसंद आता है, लेकिन पता नहीं आज बंद नहीं होना चाहिए शायद। नहीं बंद हो, नहीं भाई दो ना, भाई दो जे ना, तो हो सकता है बंद हो सकता है। नहीं नहीं बंद पता नहीं, चलो देखते हैं मार्केट में जाकर के। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ भाभी के साथ मधुबनी पर, और यहाँ पर है ना हैंडीक्राफ्ट का सामान बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा था। ये देखिए कितना सुंदर लटकने वाला है, इसके अंदर लाइट्स जल सकती है, और ये मिरर मैं दिखा रही हूँ भाभी को, बहुत ही खूबसूरत था।
4000 का और ये वाला 4500 का स्टैंडिंग वाला 4500 का। और पता है ये वाले जो टेबल लैंप्स आपको देख रहे हैं ना, इनकी स्टार्टिंग रेंज क्या थी, ये 200 रुपये से स्टार्ट थे और कोई 500, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 तक इनकी रेंज आ रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये। और कैंडल स्टैंड वाली जो लैम्प शेड दिख रहे हैं ना, ये 100 रुपये से स्टार्ट थे। कलर वाला भी चेंज होता है ये, अगर लाइट जलेगी इसमें रात में तब पता चलता है। लेकिन नहीं लाइट जलेगी बहुत अच्छा लगे। अच्छा है नहीं लगेगा? अच्छा हाँ हाँ, ये वहाँ के हिसाब से अच्छा है। नहीं नहीं ये भी अच्छा लगेगा। एक साइड आप इधर की साइड प्लांट लगा सकते हो, उस साइड वो हाँ, तो बस तो दोनों साइड प्लांट मत लगाइए। तो यहाँ पर मैं अपने घर के लिए खरीदना चाह रही थी सोफे के किनारे पे रखने के लिए, तो इसी चीज़ का मैं भाभी के साथ डिस्कशन कर रही थी कि भाभी कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। और ये पता है ये जो बड़े बड़े आपको कैंडल स्टैंड दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही सस्ते मिल रहे थे, 300, 400, 500 रुपये में, और इस शीशे पे तो मेरा दिल आ गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ भैया के साथ मार्केट, तो आज मेरा मार्केट डे था। गाइस गेस करके बताइए कि इस हेलमेट के अंदर कौन है। सही जवाब, मीनल ड्राइव कर रही हैं और भैया पीछे बैठे हैं। अक्सर ऐसा होता है मैं चलाता हूँ मीनल में, टू व्हीलर में। गाइस यहाँ पे लग रहा है मंगल बाजार और पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, पता नहीं काय को। तो लाइटें तो जलानी चाहिए ना। मैं मेरी पैर बचा के चल, तू पर्स है। तो टाउन हॉल पे लगता है मंगल वाले दिन मंगल बाजार, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि आज भी लगेगा मंगल बाजार, तो रश देख लीजिए आप कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे बड़ा तगड़ा जाम लग गया भाई, यहाँ पे ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है। नहीं उतना सही है, बस उतना सही है। तो दोस्तों मंगल वाले दिन सारी दुकानें क्लोज रहती हैं और मंगल मार्केट लगता है पटरी वाला। यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट बंद है, मोस्ट प्रोबेबली आप कल आएंगे सामान देखने। तो अभी हम जा रहे हैं मंडी चौक में, और हमें कुछ शॉप्स है ना खुली हुई दिख रही थी कि दिवाली निकली है ना, तो दिवाली के बाद वो अपना सामान सारा अरेंज कर रहे थे और कुछ जो सेल का आइटम था वो बाहर दुकान के रखा हुआ था। तो इसी सब में से हमने बहुत सारा सामान भी खरीदा है, क्योंकि बहुत हमें सस्ते रेट पे मिल रहा था। तो यहाँ से कुछ सामान खरीदा है, बहुत सस्ता सामान, 500-250 रुपये में मिल रहा था। ये पीतल के ग्लास 100-100 रुपये में मिल रहे थे। मंगल वाले दिन वैसे तो मंडी चौक बंद रहता है, पर कुछ शॉप्स खुल गई मिल गई थी, तो हमारा तो फायदा हो गया और उनका भी सेल का सामान निकल गया था, क्योंकि इन्होंने तो बाहर ढेर लगा रखा है। और ये देखिए ये जो लटने वाला दिख रहा है ना, ये रेड कलर का, ये केवल 250 रुपये का था और बहुत ही खूबसूरत कैंडल वाला था ये। उसके बाद हम आ गए हैं घर पर, और घर पर आए हैं आशीष जी, सोनी और बच्चे, तो उन्हें देख कर दिल खुश हो गया था। हेलो हेलो भाई, हेलो क्या हाल है? बढ़िया हाल चाल है। ये सरोजनी नगर की जैकेट पहन रखी है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, अच्छी लगती है। हाँ सूट वूट पहन रही हूं, तो कुछ ज्यादा नहीं नहीं सही है ये, अच्छी लग रही है। लेकिन हाय, और यहाँ पर भैया भी है, और कौन है यहाँ पर, मफिन भी है, और बच्चे खूब खेल रहे हैं मफिन से। आज है कशिश का बर्थडे, कशिश ऑनलाइन जुड़ी हुई है हमारे साथ, और हम लोग यहाँ पे केक कटिंग करने वाले हैं। Happy birthday to you, happy birthday dear Ashish, happy birthday to you.
दीदी के सामने रख दो ना, दीदी को तो खिला दो, दीदी के सामने, दीदी को तो खिलाओ, दीदी दूर 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 थोड़ा सा हाथ पे चला गया, फोन में खा गया। हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे काशिश, तुम्हें बोलो हैप्पी बर्थडे, मफिन भी बोलेगा, मफिन भी बैठा है यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशंस काशिश, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, वेलकम, हैप्पी दिवाली बिलेटेड। कैसा है केक सोनी? बहुत टेस्टी लग रहा है ना, चॉकलेट केक पसंद है तेरे को? ये चॉको चिप्स केक है पता है, बहुत टेस्टी लगा मुझे भी। हाँ ये कहीं पता नहीं भैया कहाँ से लाया, मुझे नहीं पता है, पर बहुत टेस्टी है, द बेकरी का ही है। हाँ शायद तो यहाँ पर चल रहा है खाना। यस खाना चल रहा है। हाँ जल्दी जल्दी खाना बन रहा है और उधर चल रहा है खाना, नहीं इधर इधर बन रहा है, इधर तो बन रहा है खाना और उधर चल रहा है खाना। तो इधर सब लोग बैठे हैं और बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं बच्चे। हेलो रुद्राज, हेलो निशु, क्या खाना खा रहे हो आप बताओ, क्या खाना खा रहे हो? चाप और रोटी और पनीर मटर। और आप क्या खा रहे हो रुद्रांश और देवू? चाप और पनीर। ओ मटर पनीर मामी ने बनाया है। और कोल्ड ड्रिंक खाने के साथ, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीती, बहुत दिनों बाद पी रही हो ना कोल्ड ड्रिंक। अरे वो भी तो बनी थी, वो जो है भिंडी की सब्जी बनी है, गोभी की सब्जी है, नहीं खाते क्या? क्यों तुमने क्यों नहीं ली है? और देवू तुम दाल रोटी खा रहे हो, देवू सबसे सही लड़का है ना, ये सब खा लेता, सब खा लेता है, नहीं दाल रोटी खाता है, वो दाल रोटी में बिलीव करता है। वो मामी ने खाना कैसा बनाया है, है मामी? दाल भिंडी गोभी तो खाई नहीं। हाँ और रायता भी बनाए, बूंदी का पापा चटनी की ले आऊं? ये बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पापा मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं? सॉरी मैंने कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, आज भी यही होता आ रहा है। यहाँ पर चल रहा है मस्ती मजाक और प्लेट लग चुकी है, दाल है, रायता है, मटर पनीर है, चाप की सब्जी है, भिंडी है, प्याज है, तो आज का खाना यही है और डिनर हमारा बहुत यम्मी होने वाला है। और भाभी ने बनाई है मटर पनीर और भिंडी की सब्जी, मम्मी ने बनाई है, चाप किसने बनाई है? भाभी ने बनाई है, भाभी ने बनाया आज का डिनर। तो भैया यहाँ पर भी आके साल बहु लग गई है काम पे, मम्मी ने भी बनाया, मम्मी ने मेरे साथ मिलकर, मम्मी ने दाल सब मतलब मिक्सी सब काम करते थे, मैंने जैसे दही फेंटा था। सबके हाथ लगे, मैंने खाया है, सबके हाथ लगे, सोनी ने सलाद काटी है, प्याज काटी है, तो सबके हाथ लगे हैं, इससे बहुत टेस्टी खाना स्वाद बना है। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि हम और भी अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए ला सकें। हाँ TIO TV पर, चलिए बाय।